Everyone, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है मैं चंदन प्रसाद आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बारह सितंबर को जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है तो अब तीस दिन जो बचे हुए हैं तीस से इकतीस जून जो बचे हुए हैं उसमें हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए बहुत सारे छात्रों की समस्या है कि जो वो टेस्ट दे रहे हैं उसमें उनका जो मिनिमम स्कोर है वो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा नहीं जा पा रहा है उसमें कैसे एकोरेसी को आप बढ़ा सके और उसमें ज़्यादा मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं तो हम किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और साथ ही हम लोगों क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए इन तीस दिनों के लिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बारह सितंबर को ये प्रारंभिक परीक्षा का एक्सपेक्टेड डेट है कि एग्जाम होगा और ज्यादा संभावना है कि एग्जाम होगा ही इसमें कंफ्यूज नहीं हुईगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा ये वो बोल रहे हैं तो इस पर आप बात मत कीजिए और ध्यान भी मत दीजिए सिर्फ एक चीज पर फोकस कीजिए कि 12 सितंबर को एग्जाम होगा अब दूसरा बात करते हैं कि अब जो बचे हुए हैं तो उन दिनों में हम क्या करेंगे तो सबसे पहला चीज़ हम पहले से भी आपको बताते आ रहे हैं कि रिविजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए तो जिन चीज़ों को आप जितना बार रिविजन करेंगे उतना ही आपको वो लाभ होगा उसका उतना ही आपको वो याद हो याद करने में आपको सहायता मिलेगी रिविजन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है जितना बार हो सके और ध्यान रखिएगा कोई नया टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि जितना आपने पढ़ा है उन्हीं का रिवीजन कीजिए पेपर वन और पेपर टू मिलाकर 200 प्रश्न पूछे जाते हैं टारगेट हमें कितना रखना चाहिए तो आपका जो टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 140 एक सौ पचास प्लस सही होने चाहिए मिनिमम कटअप को भी कटअप तो पहले ने बताना मुश्किल है कि कितना जाएगा ये तो प्रश्न पत्र के लेवल पर प्रश्न पत्र आएगा तो उसी समय तय होता है कि इस बार कटअप कितना जाने वाला है पहले से बताना मुश्किल है हाँ पिछले साल के जे छः जे हुए हैं अगर उसमें देखिएगा तो कटअप तो फिफ्टी फिफ्टी फाइव परसेंट सिक्सटी परसेंट के बीच में होता था लेकिन इस बार संभावना है ऐसी है कि चूँकि सीट इस बार भी कम है पहले भी सीट कम हुआ करती थी लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं स्टूडेंट बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं हाँ भले ही हम तीन लाख साढ़े तीन लाख की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कंपटीशन देने वाले चालीस से पचास हज़ार स्टूडेंट तो बिल्कुल है ये मान के चलिए और इसके लिए जरूरी है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा दो तीन प्रश्न ही निर्धारित करेगा क्योंकि आप अगर सही दो से तीन प्रश्न ज़्यादा करते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही आपका पीटी एग्जाम क्लियर होगा ही ये निश्चित है अब सवाल उठता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र अभी टेस्ट दे रहे हैं पता चल रहा है कि सिक्सटी परसेंट आ रहा है फिफ्टी परसेंट आ रहा है कितना भी कोशिश कर रहे हैं फिफ्टी फाइव परसेंट या फिर फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आखिर हम सेवेंटी परसेंट और सेवेंटी फाइव परसेंट का टारगेट कैसे पूरा करें तो ध्यान रखिए जितना भी आपने स्टडी किया है मान लीजिए चूंकि इसमें तो बंटवारा किया हुआ है पेपर वन में और पेपर टू में कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम एक प्रॉक्स मानते हैं कि आपने तय किया कि आप एक या फिर एक प्रश्न तक एक प्रश्न तक आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़े हैं तो हम बोलेंगे कि बीस जो छूट गया है या फिर आपने उसे छोड़ दिया है उस पर फोकस करने की अपेक्षा आप एक में ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें उनको छोड़ ही दीजिए बिल्कुल क्योंकि अभी तीस दिन में उस पर ध्यान देना 180 पर भी अपना एक तरह से खराब रिजल्ट करना होगा तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 180 पर ध्यान रखिए अब सवाल ये उठता है कि सर कि हम उसमें ध्यान रखते हैं लेकिन उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो कैसे हम क्या करें तो 180 में मान लीजिए अभी आप 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट आप सोल्व कर पा रहे हैं अब जैसा कि हमने पहला पॉइंट बताया था कि आप रिवीजन उसी को ज्यादा कीजिए अगर आपका 180 में 120 सही हो रहा है 110 सही हो रहा है 100 सही हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि उसमें और भी ज्यादा कोशिश कीजिए कि हम 120 सही कर सके 130 सही कर सके 140 सही कर सके उसी में आप एक को बढ़ाइए कि ये मत देखिए कि आपका क्या छूट रहा है आप ये देखिए कि आपके पास 180 प्रश्नों का स्टडी किया हुआ है अगर उसको आप ज्यादा से ज्यादा और रिवीजन कीजिएगा जैसे कि मान लीजिए झारखंड का आप समान अध्ययन पढ़ रहे हैं 110 प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं और हमें उम्मीद है कि आप सब झारखंड जीएस तो सब कोई तैयारी किया हुई होगा आप एक में देखिए कितने आपके सही होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी छात्र का सत्तर सही होता है पैंसठ सही होता है सत्तर सही होता है पचहत्तर सही होता है तो आप इसी को बढ़ाइए कि मेरा कम से कम अस्सी सही हो नब्बे सही हो और नब्बे सौ से सौ ज़्यादा मुश्किल है करना लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि नब्बे पंचानबे तक सही हो जाए इसके लिए क्या करना होगा तो इसके लिए सीधा सा आप रिविजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और ये मत देखिए कि आपको झारखंड जीएस पर कितना मेहनत करना है क्योंकि तो झारखंड जीएस विभिन्न टॉपिक में बटा हुआ है और वहां से कितना प्रश्न आएगा यह भी पहले से ही निर्धारित है जैसे कि पेपर टू में पहला टॉपिक है झारखंड की जातीय शासन व्यवस्था तो झारखंड से जातीय शासन व्यवस्था से कितना प्रश्न आएगा तो आठ प्रश्न तो ये देखिए कि आपका आठ प्रश्न में कितना सही हो पा रहा है आप सॉल्व करते हैं इस सीरीज वगैरह तो आठ में देखिए कितना सही हो रहा है और वहां पर मेहनत कीजिए कि हाँ कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है क्योंकि अगर जातीय शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था है तो मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न आता है उसमें देखिए कि वो आपका सही हुआ नहीं अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ कि आपको जानकारी नहीं है तो इन चीजों को फाइंड आउट कीजिए ये चीजें में सुधार कीजिए वरना ये मत देखिए कि आपका क्या छूट रहा है आप ये देखिए कि आप जिसमें अच्छा कर रहे हैं उसमें और कितना आप सुधार कर सकते हैं तो ये हर एक टॉपिक में कीजिए सिर्फ हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है उसी तरह झारखंड के आंदोलन से बहुत सारे छात्र देखते इतिहास पढ़ते रहते इतिहास पढ़ते रहते लेकिन उसका क्या मतलब इतिहास में ये देखिए कि झारखंड के आंदोलन से सात प्रश्न आ रहा है सात में आप कितना सही कर पा रहे हैं ये हमारे लिए मायने रखता है अगर गलत हो रहा है मान लीजिए सात में आप तीन या चार प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आप ये फाइंड आउट कीजिए कि कहां पर मेरा गलत हो रहा है किन चीजों पर हम लोग झारखंड के जो आंदोलन है वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है तो उसको लिस्ट बनाइए और उसको ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि सी एन टी एस पी टी एक्ट है सी एन टी एस पी टी एक्ट से बारह प्रश्न आते हैं तो उसमें आप एक बार सॉल्व कीजिए तो पता चलता है कि मान लीजिए आपका पांच या छह सही हो रहा है तो उसमें भी सुधार कीजिए सेक्शंस को आप लिखिए एक साइड सेक्शन लिख लीजिए एक साइड उससे संबंधित टर्म लिख लीजिए और एक, में, एक वर्ड में लिखी है। जैसे कि हम बात करते हैं SPT Act में, तो SPT Act का वन किया है, टू किया है, थ्री किया है, किया है, फिर अध्याय भी उसमें लिखते जाइए कि अध्याय वन के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन आते हैं जैसे अध्याय वन में एक से लेकर चार तक आते हैं अध्याय टू में पांच से लेकर ग्यारह तक आते हैं और वो किससे संबंधित है जैसे कि अध्याय टू जो है ग्राम जो ग्राम प्रधान और जो मूल रईत थे उसके बारे में है पिछला बार इसी टॉपिक से दो प्रश्न पूछा गया था छठा जेपीएससी में तो इस बार भी आपको करना है कि उसको अच्छे से कवर कर सकता है उसके बारे में तो उनको आप फोकस कीजिए एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो वहीं से आएंगे तो हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक पर ज्यादा वर्क करेंगे ये नहीं देखेंगे कि झारखंड जीएस कितना बड़ा है या फिर इतिहास कितना बड़ा है और ये सिर्फ हम एक सब्जेक्ट पर नहीं बता रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में निर्धारित है पहले की कि जितना जहां से प्रश्न लिखा गया है वहीं से उतना ही प्रश्न आएगा उससे ज्यादा या कम नहीं आ सकता है तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है और इन तीस दिनों में यही आप एनालिसिस कीजिए और बाकी सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए और इसमें जितना आपका सही हो रहा है उसमें ही सुधार कीजिए 180 में आपका पहले 90 100 सही हो रहा था और उसमें और सुधार कीजिए 120 लाइए फिर 130 लाइए 140 लाइए तो इस ये ज़्यादा आपके लिए इजी है ये नहीं कि मेरा 20 प्रश्न तो हम पढ़े ही नहीं उस टॉपिक के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई ये दिखता है कि नहीं हमें भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भारतीय संविधान वगैरह करंट अफेयर्स कोई मान लीजिए एक सेक्शन नहीं पढ़ते हैं झारखंड तो सब कोई पढ़ता ही है हम बात करते हैं पेपर वन में ही कोई एक सेक्शन आप नहीं पढ़ते हैं तो उसको उस पर ध्यान मत दीजिए जो पढ़ चुके हैं उस पर ध्यान दीजिए एक प्लस जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं मतलब झारखंड का एक और बाकी के उस पर मेहनत करना है और इंडिविजुअल टॉपिक पर फोकस कीजिए तो एक चीज ध्यान रखिएगा पहला कि आपने ये तय कीजिए कि 200 में आप कितना अच्छे से तैयारी कर चुके हैं उसका लिस्ट बनाइए मान लीजिए कोई छात्र और मिनिमम ऐसा नहीं करना है कि एक सौ आप तैयारी करके जा रहे हैं एक सौ तैयारी करके जा रहे मिनिमम एक सौ सत्तर लेके चलिएगा कि दो में इतना सिलेबस कवर कर ले मेरा उसमें भी कि कोई गलत होगा ही उसमें आपको कितना सही करना है इस पर आप काम कीजिए कि मान लीजिए आपने तय किया कि 180 प्रश्न हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं अब उसी का हमको रिवीजन करना है तो उसी पर फोकस कीजिए आप इन तीस दिनों में टारगेट बनाइए जैसे कि झारखंड जीएस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो झारखंड जीएस के लिए दो घंटा डेली बेसिस पर रखिए दो घंटा सिर्फ रिवीजन पर रखिए एक घंटा आप मान लीजिए प्रैक्टिस उस पर करते हैं उसको ध्यान में रखिए फुल मॉक टेस्ट आपके लिए अनिवार्य है और उसे देना जरूरी है ये तो हम ये ध्यान में रख के सब चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि जो फुल मॉक टेस्ट नहीं देगा और एग्जाम में जाकर सिर्फ फुल मॉक टेस्ट देना चाहता है वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल अलग है जो जो रैंडम प्रश्न दिए जाते हैं मिक्स प्रश्न दिए जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि फुल मॉक टेस्ट टेस्ट देना है अगर नहीं दिए तो जरूर दीजिएगा किसी भी अच्छे संस्थान का या फिर हमारे द्वारा भी प्रोवाइड किए जाते हैं आप उसको भी लेके आप दीजिएगा जरूर ये आपके लिए बेस्ट है हमने हर तरह से आपको वहां पर शामिल भी किया है कि किस तरह से उसका बेनिफिट ले सकते हैं क्लियर है तो इसमें ये सारी जानकारी अभी तक हमने बोला अब बात करते हैं कि जो रिवीजन करेंगे उसका किस तरह से देखिएगा रिवीजन जो आप पढ़ चुके हैं उसी का करना है अलग से तो आपको पढ़ना नहीं है तो जो हाईलाइट करके या फिर जो की पॉइंट नोट्स है उनको रिवीजन कीजिए और चूंकि अब एक दिन में भी आपको एग्जाम में के दिन रिविजन करके जाना होगा तो आप क्या कीजिएगा कि उनका शॉर्ट नोट्स जैसे कि झारखंड जी है तो झारखंड जीएस में जातीय शासन व्यवस्था है तो एक दो पेज में जातीय शासन व्यवस्था पूरा कवर कर दीजिए मेन मेन पॉइंट कीवर्ड लिखकर लिख हाँ ये ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख रहा है उसी तरह झारखंड के आंदोलन एक दो पेज में फिर सी एन टी एस पी टी एक्ट शिक्षण संस्थान हो गया साहित्य एवं साहित्यकार हो गया तो वो सारे की के तौर पर उसको लिखते जाइए जिससे कि आपको बहुत ही कम समय में उनको रिवीजन कर सकते हैं ऐसा कभी मत कीजिएगा कि शुरू में जो स्टडी कर रहे थे 10 -20 का एक बुक्स को उतना अभी भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उतना अगर अभी भी मेहनत कीजिएगा तो कम समय में आप कैसे हैंडल कर पाइएगा सारे सब्जेक्ट को आप कैसे उसी में आप लगे रहिएगा तो बाकी सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा इन चीजों को ध्यान में रखिएगा हाईलाइट करते रहिएगा और साथ ही जो भी टेस्ट वगैरह देते हैं उस पर खुद से गौर कीजिए कि कितना सही हो रहा है और जितना भी आपको टॉपिक्स हैं कम से कम जो आप पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन बार बार कीजिए कम से कम एग्ज़ाम तक थ्री टाइम्स अगर ज़्यादा कर पाते हैं बहुत ही बेहतर नहीं तो कम से कम थ्री टाइम्स रिवीजन करें हर वीक का डेली बेसिस पर आप बहुत सारे छात्र टाइम टेबल को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़ रहते हैं टाइम टेबल मेरा कैसा होना चाहिए ये आप पर निर्भर करता है टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं हो सकता है कोई छात्र अपना डेली बेसिस पर टाइम टेबल बनाता है कि आज हमें टॉपिक एक चैप्टर दो चेप्टर पढ़ना है। और ये टेस्ट दे रहा है कोई छात्र एक वीक का टाइम टेबल बना लेता है कि एक वीक में ये सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे कोई अभी मैक्सिमम वन वीक का ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वन वीक में अगर आप आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट वीक में फिर अलग अगला टारगेट रखिए क्योंकि अभी आपके पास चार वीक है थर्टी डेज का टाइम है तो पहला वीक दूसरा वीक तीसरा वीक, वीक चौथा वीक में ध्यान रखिएगा चौथा वीक में ज्यादा से ज्यादा कम समय में रिविजन कैसे करें उस पर फोकस कीजिएगा और जो करेंट अपडेट है फैक्ट वाली चीजें हैं जैसे कि कोई डाटा है जैसे कि झारखंड में कितना प्रतिशत भाग पर जो खेती की जाती है कितना सिंचित भूमि है प्रतिशत में वही उसी तरह जो खनिज वगैरह है उसका डाटा आपको होना चाहिए कोई अगर मान लीजिए करेंट अपडेट है तो डाटा आप वहां पर उसको याद क्योंकि डाटा अभी तो आपको पढ़ ही रहे हैं लेकिन लास्ट समय में डाटा को याद करना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें उसी को बार बार रिवाइज करना होगा क्योंकि आज डाटा याद करते हैं कल भूल जाते हैं ये होगा स्वाभाविक है तो उसी समय लास्ट समय में ही उसको पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उसी तरह से अपनी तैयारी करना है तो बेसिकली हम ये जो वीडियो बनाए थे बहुत सारे छात्र इसको लेकर परेशान थे तो ये थर्टी डेज आपको क्या क्या करना है इन चीज़ों पर फोकस कीजिए और जो हमने बताया है जैसा कि जो जो आप पढ़ चुके हैं उनको रिविजन कीजिए और उसी में एक रेसी को बढ़ाइए कि कितना आप मान लीजिए 180 प्रश्न आप सॉल्व करते हैं 180 में कितना सही कर रहे हैं तो अगली बार अगर मान लीजिए इस बार सौ सही होता है तो अगली बार एक सौ दस एक सौ बीस उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए उसके लिए मेहनत इंडिविजुअल टॉपिक पर कीजिए न कि पूरे झारखंड जीएस को एक बार में देखिए इनको ध्यान में रखिएगा आज के लिए बस इतना ही था अब आपको फिर भी अगर आपको बहुत सारे डाउट होंगे तो आप कमेंट करके हम इसे जरूर पूछिएगा हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है वहाँ पर भी चूँकि हम तुरंत रिप्लाई तो नहीं दे पाते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सारे छात्रों का रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल आपको हम प्रोवाइड कर सकें क्लियर है फिर भी अगर डाउट है कुछ तो कमेंट रखिएगा हम जरूर उसको अगले वीडियो में या फिर हम आपके साथ वो चर्चा जरूर करेंगे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो थैंक यू